तो ये मम्मी अभी प्लेटें निकाल, देखिए अरे वैष्णवी आज बन गई है बिल्कुल पहाड़। तो फाइनली यहाँ पे बैबू भी तैयार हो। गाइस आपको मेरा पहाड़ी लुक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो हे गाइस कैसे आप सब, होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियालैंड फैमिली में। तो आज मतलब आज का ब्लॉग जो बनने जा रहा है ना, तो मैं सुबह से मतलब बैठे बैठे सोच रहा था कि आजकल जो ये पहाड़ी लड़कियां हैं वो मतलब बहुत सारे रील्स बना रही है। तो क्योंकि वो यहाँ पे आ गया तो उन्हें पहाड़ी धोती पहनना शायद ना आता हो। तो आज के ब्लॉग में मैं मम्मी सिखाएगी आपको कि कैसे आपको पहाड़ी धोती पहननी है, तो ताकि आप अच्छे अच्छे रील बनाएं पहाड़ी धोती में। तो चलिए, तो गाइज अभी मम्मी यहाँ पे आपको धोती पहनाना सिखाएगी। तो सबसे पहले मम्मी ने ये साड़ी का क्या बोल दिया, सबसे पहले आपको ऐसे गांठ बांधनी है, आप यहाँ ऐसे अब इसके बाद आप फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप। वो बैब को बड़ा शौक लगा हुआ, ये इसको ऐसे घुमाना है। अब क्या करना है इसके बाद, तो अब इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, प्लेटें निकलेंगी। तो ये मम्मी अभी प्लेटें निकाल दी है और पहले ये देखिए ऐसे ये गेड़, गेड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, गांठ बांध दिया है ऐसे ऊपर ये। और ये मम्मी अभी प्लेटें निकाल दी है, जैसे आप साड़ी पहनते हो वैसे ही। तो अभी ये प्लेटें बन रही है और यहाँ पे बैबू बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि दीदी को क्या हो रहा है। और मुन्नू ये देखो वैष्णवी हो रही है बहुत खुश है ना। तो गाइज आप जरूर बताना कि वैष्णवी कैसे लग रही है, है? हैं? तो ये अभी प्लेटें निकाल दी हैं, अब ये ऐसे पकड़ना है, जरूर बताना कि कैसे लग रही है। ये पीछे से घुमा दिया है, अब ये देखिए बोल पैथर क्या। अब ये यहाँ पे एक गांठ और बांध देनी है ऐसे ये। तो पुराने जमाने में हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही धोती पहनी जाती थी, अभी तो आजकल सब पल्लू बांधते हैं, पल्लू नहीं मतलब पल्ला पल्ला डालते हैं, बट पहले जमाने में ना ऐसे ही करते थे ये। देखिए मेरी वैष्णवी आज बन गई है बिल्कुल पहाड़न है, पहाड़ा नहीं है पैदा दिल्ली में हुई, पर मन मेरा बोल पहाड़ों में है ना। तो आज दादी तेरे को पहाड़ी लुक दे रही है। गाइस कभी हाइकिंग करने का मन होगा तो मैं आ जा रही थी, ऐसी चढ़ाई चढ़ाऊंगी कि सारा रिश्ता का बोल दिया। हमारी बाबा जी को साथ है। हां बाबा जी को साथ। अच्छा ती तक या धोत पहना। अरे मी कहते यार तो दी खत्म के गई। हां कितना माफ का तभी रही। हां ये लगनी आ सके सूट पे तो सफाई नहीं। अच्छा तो मैं दीदी बाल बलते तो सूट पे नहीं कोई साइड पे नहीं आई। बिसी को दे दे वो यार मीठा अभी तक भी। तो फाइनली फाइनली ये वैष्णवी का लुक देखिए, ये सीधे खड़ी रहा। ये तो हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, हे तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेर कोई मुखड़ी, हे तेर प्यारी मुखड़ी, ए तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, आँख में काजल नख न थुली भली लगी रे, आँख में काजल नख न थुली भली लगी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा रील्स वगैरह बनाने के बाद हमारे मोटू को लग गई है भूख, उसकी हो रही है पेट पूजा। तो क्या खाए जा रहे भैया आज, किसने बनाए, पापा ने, कैसे हो रहे यम्मी है? तो अभी इसको करने देते हैं थोड़ी पेट पूजा। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे सुशील जियाल 1984 से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे वैष्णवी की अच्छी अच्छी रील्स देख सकते हैं। और यहाँ पे
वैष्णवी के बाद ना बहू को भी शौक चढ़ गया, तो वो कह रही है मुझे भी धोती पहनाओ। तो यहाँ पे दादी अभी छोटी बहू को भी तैयार कर दी है। बहू तुझे भी पहननी धोती है? क्यों? अच्छा, तो अभी बहू को भी धोती पहनाई जा रही है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे बहू भी तैयार हो गई है अपनी सुंदर सी धोती पहन के। आए बहू जरा हेलो गाइस बोल दे जरा। क्या पहनाया आज आपने? ये देखो क्या मस्त लग रही है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बहू कैसे लग रही है, है? है? हाँ कमेंट बॉक्स में ही मेरे को पता है ना कैसे लग रही है आज बहू। तो अभी हम इनकी रील बनाते हैं, तो आप रील को ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। तो थोड़ा गोड़ाई कर रही है कैसा लग रहा है मेरी पहाड़न? अच्छा, क्या क्या हो रखा है तुम्हारी क्यारी में? क्या क्या हो रखा है तुम्हारी क्यारी में? क्यों ही हो तुम्हारे क्या रहा? छीमी और रही और प्याज कन महानी रहे हुई चाहे छीमी बीच है। और सब्जी बनाने के लिए हम खाएंगे छीमी की सब्जी। तो गाइस आपको मेरा पहाड़ी लुक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वैभवी का पहाड़ी लुक कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हम गढ़वाली बन रखे हैं, हम गढ़वाली बन रखे हैं आज। तो गाइस फाइनली रील बनाने के बाद हमें बहुत भूख लग गई थी, इसलिए हम खा रहे हैं दाल चावल और रायता। छाजी चावल बात बोल रहे गढ़वाली में। क्या खा रहे हो? दाल चावल कैसे बनना है? यम्मी। अभी पहाड़न पहाड़न अभी हाथ से खा रही है। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल भी है उसे भी बजा दीजिएगा। टंग टंग बाय बाय बाय।